साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आज कवि संधि कार्यक्रम हमारे बीच में हिंदी के प्रख्यात कवि आदरणीय उपेंद्र कुमार जी उपस्थित हैं। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, ये कार्यक्रम साहित्य अकादमी के YouTube चैनल और साहित्य अकादमी के जो उसकी वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। मैं दोबारा से कर रहा हूं सर, साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत कवि संधि कार्यक्रम में आज हमारे बीच में हिंदी के प्रख्यात कवि आदरणीय उपेंद्र कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आदरणीय उपेंद्र कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी उपेंद्र कुमार जी से परिचित हैं, फिर भी मैं संक्षेप में आपका परिचय आप सभी से करवा देता हूँ। आपका जन्म 1947 में बक्सर बिहार में हुआ। इंजीनियरिंग स्नातक और आपने उपाधियां प्राप्त की। 1972 की भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि में आपने प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा सिविल सर्विस में नियुक्ति प्राप्त की और विभिन्न मंत्रालयों में भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों के साथ 35 वर्ष तक अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी। प्रधान निदेशक रक्षा मंत्रालय के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। आपका पहला कविता संग्रह 1979 में छपा। तब से अब तक 2 गजल संग्रह, 9 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, अपना घर नहीं आया और खुशबू उधार ले आए, ये गजल संग्रह, प्रतीक्षा में पहाड़, उदास पानी, मैं बोल पढ़ना चाहता हूं, ये लंबी कविताएं जो दिल्ली साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हुई, गहन है ये अंधकारा, लंबी कविताओं का संग्रह, नंगे पांव चांदनी आदि, बहुचर्चित प्रबंध काव्य इंद्रप्रस्थ जो काफी लोगों ने प्रशंसा की जिसकी, और उसके बाद भारतीय ज्ञानपीठ से वायु पुरुष शीर्षक से आपका खंड काव्य छपकर आया, काफी चर्चा में रहा है। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशनों द्वारा प्रचुर और उत्कृष्ट साहित्य की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि, जिनकी चर्चा वर्तमान समय के साहित्यिक मूल्यांकन के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। देश विदेश की यात्राओं के दौरान वहां के साहित्यकारों से आपने परिचर्चा की और उन देशों में रचनाओं के अनुवादों का प्रकाशन और प्रसारण हुआ। आपको प्राप्त हुए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान हैं: काव्य रचना सम्मान महर्षि गंधर्व वेद विश्वविद्यापीठ से, साहित्यिक क्षेत्र में योगदान के लिए नेशनल प्रेस इंडिया का सम्मान, साहित्यिक कृति सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा, साहित्यकार सम्मान वर्ष 2003-2004 हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा, और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त सम्मान वर्ष 2016। ये पुरस्कार और सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। एक लंबी साहित्यिक यात्रा आपने की है, लगभग 79 के दशक से लेकर अब तक। तो उपेंद्र जी, मैं आपसे आज कुछ कविताएं भी हम लोग आपसे सुनेंगे, आपसे कुछ बातचीत भी करेंगे। हम आपकी पूरी रचना यात्रा से आज अपने श्रोताओं, अपने दर्शकों को मुखातिब कराना चाहते हैं, उनसे परिचय कराना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। मैं सबसे पहले आपको रचना पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं, उसके बीच बातचीत का सिलसिला भी बीच बीच में चलता रहेगा। आदरणीय उपेंद्र जी, कविता पाठ के लिए। धन्यवाद अनुपम जी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से साहित्य अकादमी को धन्यवाद देना चाहूंगा, इस कोरोना समय में जबकि मिलना जुलना और सब कुछ बंद है, ऐसे सुंदर कार्यक्रम की श्रृंखला का की परिकल्पना और उसका इतना सुंदर संचालन करते रहने के लिए इतने लंबे समय से। कविता मैं सबसे पहले अपनी एक प्रिय कविता सत्तू से शुरू करना चाहूंगा अपना कविता पाठ। सत्तू, ये कविता तो प्रिय है ही, सत्तू वैसे भी मेरा बड़ा प्रिय भोजन है, तो शायद यही कारण है इस कविता के ज्यादा प्रिय होने का आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। पूर्वी भारत के लोगों का बहुत ही प्रिय भोजन है ये विशेषकर क्षेत्र का, बिहार के और बिहार, बिल्कुल स्वागत है। सत्तू। कौशल और मगध के घुड़सवारों और पालकी युक्त वाहनों के अवशेष चाहे न हो, आज भी पूर्व की यात्राओं का अपूर्व विषय है राजनीति।
राजनीति से ऊपर भी कुछ है और वह है सत्तु, जिसकी सजी है आज भी मौके की जगह सड़कों के किनारे दुकानें हैं, तिकोनी चोटी पर परचम टिकाए हरी मिर्च खींचती है ध्यान, बैठे हैं जमीन पर ही सन्नत खाने वाले, पूरब में सबसे सहज सबसे लुभावना भोजपुरी फिल्मों का गाना सत्तू का खाना, अनाज को भूनना पीसना सही अनुपात में मिलाना कला है वैसी ही जैसे 5 सितारा होटलों में खाना बनाना, अच्छा बनाना ही क्यों, ठीक ठीक नमक पानी मिलाना कायदे से सानना, चॉपस्टिक या कांटे छुरी द्वारा खाने से कमतर कला नहीं है हाथ से सत्तू खाना। भले ही हुसैन की काम कला से लेकर चित्रकला तक के प्रशंसक और कलाकार माने या ना माने, मानते ही इसे सच, भड़भूजे से चक्की तक की सत्तू की यात्रा के जानकार और बड़े बड़े कलाकार जिनमें शामिल हैं रामू लुहार, भोलू चर्मकार, दमड़ी बढ़ई और सरजू कुम्हार, ऐसी यात्राओं में कभी कभी तो सत्तू आ बैठता है एकदम बगल में, किसी पोटली में बंधा किसी झोले में ठूसा। अब बौड़म जैसा ये सवाल नहीं दागना है कि पोटली में बंधा है सत्तू ही कैसे पता, अरे भाई ताजा पीसे सत्तू की सौंधी खुशबू कभी कैद हो सकती है क्या किसी पोटली या एयरबैग में। सत्तू को केवल सत्तू समझने वालों के लिए जरूरी है जानना कि सत्तू का भी अपना एक इतिहास है, गौरवशाली और महान, मगध साम्राज्य जैसा, स्वाद लाजवाब, पौष्टिकता बेहिसाब, न बर्तन बासन की खटपट, न चूल्हे चौके की तकरार, न पकाने का झंझट, न पानी न उबाल, थोड़ा सा नमक और हरी मिर्च हो तो फिर बात थी क्या, बस गमछे में ही साना और खा लिया, पचाना इतना आसान जैसे घूस का पैसा। सत्तू के इन्हीं गुणों ने बना डाला था इसे सर्वोत्तम मार्शल फूड, और मगध साम्राज्य की सेना इसी के भरोसे निकलती थी अपने विजय अभियानों पर। बिना सत्तू जहां मुश्किल है गरीब का खाना, वहीं ये भी सच है कि कर नहीं सकते आप शामिल सत्तू को शाही दावतों में, परंतु प्रत्येक शाही तामझाम चाहे वह प्रजातंत्र का ही क्यों न हो, निश्चय ही टिका होता है सत्तू खाने वालों पर। सत्तू पर पले पेटों का ही दम है जो दौड़ता चला जाता है दहकते सूरज की ओर, हांता चला जाता है ठिठुरते कोहरे की दीवारों के पार, मचाता रहता है घमासान, करता है जीना आसान। सत्तू की प्रशंसा महज साधन नहीं है भूख मिटाने का, सत्तू राम ब्रह्म है, सत्तू राम राज्य का यथार्थ है और गारंटी है कि कमजोर आदमी न केवल रहेंगे जिंदा तमाम अभावों के बरक्स, वरन जीतेंगे आने वाले एक दिन अपनी तमाम हारी हुई लड़ाइयां, और उसी दिन लड़ना पड़ेगा फिर से मामूली पने के वेश में असाधारण संग्राम सत्तू की पक्षधरता में। वाह बहुत सुंदर। मेरा गांव, अगली कविता मेरे गांव की नदी पर है, मेरा गांव गंगा के किनारे बसा है, फिर भी जब ये कविता मैं लिख रहा था तो गंगा मेरे ध्यान में नहीं थी, उसकी विशालता भव्यता पवित्रता, केवल एक नदी जो मेरे गांव के बगल से बहती। स्वागत है। नदी मेरे गांव की नदी पहचान है इतिहास और गांव के सौभाग्य की, मेरे गांव की नदी पहचान है इतिहास और गांव के सौभाग्य की, बहती हुई आती है कभी मेरे पिछवाड़े मुझे प्रमुदित करती हुई, सिवान के पास तो कभी दूर, घर घर में सदा बहने वाली मेरे गांव की नदी बहती है सदियों से।
विचित्र है कि कभी नहीं तोड़ी उसने गांव की सीमाएं, गांव को तकसीम किया, बल्कि बाढ़ और अमृत जल तो सदा ही। काशी में वही गंगा, अयोध्या में यमुना, केदार में मंदाकिनी और मेरे हृदय में तमाम स्मृतियों की सबसे अच्छी याद वही मेरे गांव की नदी। बहती है नदी मेरे रेगिस्तान में, मेरी प्रेमिकाओं में, बहती है उसकी पहचान मेरे रक्त में, पहुंचती है आज भी अपने बहाव से गांव में, मेरे शहरी निवास में। स्मृति के तटबंधों से छोड़ती है बालू, पत्थर और एक शीतलता, टूटे घड़े का गला, चूड़ियों के टुकड़े। सरस्वती है प्रयाग की, सरस्वती है प्रयाग की, मेरे गांव की नदी अब तब कविताओं में बहती है। बहुत सुंदर। तीसरी कविता जी, इसका शीर्षक है चांद का चेहरा। अतीत और भविष्य के बीच जैसे ठिठका खड़ा रहता है वर्तमान, अतीत और भविष्य के बीच जैसे ठिठका खड़ा रहता है वर्तमान, जन्म और मृत्यु के बीच वैसे ही ठिठके खड़े रहते हैं विचार। दो अतियों के बीच पसरा हुआ समय अभिशप्त है उस सब के लिए जो उसके कंधों पर लद जाएगा मुर्दों और मलबों जैसा, हमारे आज के कर्मों के फल के रूप में आने वाले अगले जन्मों तक। अपने उन जन्मों में हम खोज रहे होंगे वापस लौटने के रास्ते जो कभी छूट गए थे भूल से, तब चांद काला पड़ रहा होगा, तब चांद काला पड़ रहा होगा और सूरज अपने अश्रुओं के शव रथ में लिए अंतरिक्ष के सन्नाटे में होगा यात्रा करने को उद्यत किसी और पृथ्वी की ओर। ठीक तभी मलबे पर उगी हरी घास का छोटा सा पौधा अपने नन्हे हाथ बढ़ा पोंछ देगा चांद का चेहरा। ठीक तभी मलबे नन्हे हाथ बढ़ा पोंछ देगा चांद का चेहरा। उसकी डरी सहमी धीमी आवाज में गुनगुनाया गीत भर देगा अंतरिक्ष का शून्य, लौटा लाएगा सूरज आकाश गंगा का जल छिड़क पुनर्जीवित करता अपने अश्वों को। अब एक छोटी सी कविता है, स्वागत आप। क्या है, मैंने एक चित्र बनाया है, इसमें भूख है, बेबसी है, लाचारी है, गरीबी है, गांव का एक चित्र है, देखिए। शीर्षक जुगलबंदी। चूल्हा बोरसी में आग, ईंटों का चूल्हा बोरसी में आग, हांडी में पानी, आम का अचार, कथरी पुरानी, जूता छप्पर छानी, गोबर से लिपे पुते, घर से उठते धुएं के भकोल से चेहरे, गोबर से लिपे पुते, घर से उठते धुएं के भकोल से चेहरे, कभी हाथी, कभी ऊंट, कभी बैल, और फिर जादू से हवा में घुलते जाना। तीनों बच्चे चूल्हा तापते हुए हांडी की, कोदो भात और ढक्कन की जुगलबंदी सुन रहे थे। बहुत सुंदर। तीसरी कविता, अगली कविता छोटी सी जी। बाजार का बुखार, शीर्षक है बाजार का बुखार। अपनी बदनामी से बेतरह डरा, डेंगू था मेरे सामने खड़ा, अपनी बदनामी से बेतरह डरा, डेंगू था मेरे सामने खड़ा, मैं कांप रहा था थर थर डेंगू को देखकर। हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, दोनों एक दूसरे से डरे हुए थे, तभी हमारे बीच आ खड़ा हुआ मच्छर नहीं था जिसे किसी का डर,
क्योंकि वह न तो निर्माता था न उपभोक्ता, वह था बाजार। अच्छा बिंब है। एक और छोटी सी कविता, हमारा हासिल। सारे जोड़ घटाओ गुणा भाग के बाद जो बचता है शेष वही होता है हासिल। सारे गुणा भाग के बाद, सारे जोड़ घटाओ के बाद जो बचता है शेष वही होता है हासिल, अर्थात मिलेगा वही जो बचा रहेगा सबके बाद। पंगत के उठ जाने के बाद, बही खातों के समेट लिए जाने के बाद, अखबारों के छप जाने के बाद, जब कर चुके होंगे सब लोग हासिल जो बटोर सकते हैं उनके हाथ, और मनाया जा रहा होगा जश्न, तब जो होगा शेष वही होगा हमारा हासिल। उसे हम गिनेंगे बार बार, उसे हम गिनेंगे बार बार, और नहीं जान पाएंगे कभी कि गिनने और गिन कर सहेजने जैसा कुछ भी तो नहीं था वह जो था हमारा। बहुत सुंदर। एक कविता और, शीर्षक है नंगे पांव चांदनी। नंगे पांव चांदनी, सुई के गिरने जितनी भी आवाज नहीं करती रोशनी की किरणें, सुई के गिरने जितनी भी आवाज नहीं करती रोशनी की किरणें, बाढ़ के पानी की तरह फैलती है एक साथ हर तरफ चांदनी एकदम चुपचाप। बाढ़ के पानी की तरह फैलती है एक साथ हर तरफ चांदनी एकदम चुपचाप। सबसे खामोश चीज होती है चांदनी, बिना किसी शोर शराबे के ढोल ढमाके के एकदम चुपचाप आती है और नंगे पांव रहती है खड़ी। वाह। न जाने कितनी चुपी होगी, कितना सुनापन होगा वहां, आती है जहां से चांदनी। क्या बात है। शायद औरत की चुप्पी जितनी, शायद औरत की चुप्पी जितनी, या फिर उसके मन के सुनेपन जितना। औरत भी तो चलती है जब सुनाई नहीं देती उसकी पदचाप, औरत भी तो चलती है जब सुनाई नहीं देती उसकी पदचाप, समेट लेती है सारा का सारा ब्रह्मांड अपनी गोद में बिना किसी प्रत्याशा के, प्यार और उदार निर्विकार। क्या बात है। मन की उदास तटस्थता जैसे सफेद कागज, सूने मन की उदास तटस्थता जैसे सफेद कागज, उभर आता है जिस पर सब कुछ साफ साफ सुंदर और आकर्षक। सच सबसे खामोश चीज ही छुपा सकती है अपने भीतर सारी जगमग, समेट सकती है सारा स्पंदन, कोलाहल का अंबार ऐसे उहापोह में भी दुनियादारी और बाजार। वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी कविता। सर आपके पास तो बहुत अच्छी गजलें भी हैं, आपके दो दो संग्रह हैं, तो हम चाहेंगे कि आप एक गजल भी हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाएं। हैं अभी एक आध प्रेम कविता हाँ, सुनाते हैं। स्वागत है। छोटी सी कविता है रिश्ते। किसी परिचय ने कब चाहा रिश्तों में ढलना, किसी परिचय ने कब चाहा रिश्तों में ढलना, रिश्तों ने कब कहा हमें नाम दो। कहां से खोजा जाए प्रत्येक परिचय के लिए एक रिश्ता, कहां से खोजा जाए प्रत्येक परिचय के लिए एक रिश्ता, कैसे पहनाया जाए प्रत्येक रिश्ते को नाम का लिबास। रिश्ते अक्सर लिबास पहन निकल जाते हैं घूमने, रिश्ते अक्सर लिबास पहन निकल जाते हैं घूमने, लगा लाते हैं दाग धब्बे न छूटने वाले। सीमित है भाषा और शब्द, कर चुके हैं लोग पहले ही उनका उपयोग, सीमित है भाषा और शब्द, कर चुके हैं लोग पहले ही उनका उपयोग, परंतु असीम है मेरा प्यार, परंतु असीम है मेरा प्यार, तुम ही बताओ उर्वशी यह मेरी समस्या है या सौभाग्य। अच्छा,
अच्छा है, एक और छोटी सी कविता है, स्वागत है। प्यार तो वही करती थी, शीर्षक है प्यार तो वही करती थी। जुदाई की खामोश शाम, मिलन की आखिरी बेला। जुदाई की खामोश शाम, मिलन की आखिरी बेला। उसके चेहरे की उदासी कुछ और बढ़ा दी थी डूबते सूरज की रोशनी ने, और बिना पूरी किए अपनी बात अचानक चुप हो गई थी उसकी कांपती आवाज। अपनी गीली पलकें उठा उसने, जिस दृष्टि से देखा मुझे वह बेतती चली गई कहीं बहुत अंदर तक अपने तमाम दुखों के साथ, और उसके दिल की धड़कने अचानक धड़क उठी मेरे दिल में। की धधकती आग से आलोकित हो उठा था उसका प्यारा लुभावना चेहरा। वियोग के मर्मान्तक आघात ने जो कुछ भी जीवित छोड़ा था उसमें, उस सब को चित्रांकित करती मेरी आत्मा की गहराइयों में, तोड़ती मेरा भ्रम वो करा रही थी महसूस कि मैं नहीं, प्यार तो वही करती। और कविता छोटी सी है जी। अपने अमरत्व में, इस सूखी झुलसी त्वचा में भी, इस उम्र की बात है देखिए, इस सूखी झुलसी त्वचा में भी कर देता है पैदा सिहरन यह सोचना कि जो हवा छू रही है मुझे आई होगी तुम्हें भी छूकर, और तुम्हें पता ही नहीं। बावजूद सबके एक है तुम्हारे और मेरे वे पर्वत शिखर, जिन्हें तुम छूती हो नित्य दृष्टि से और मैं स्मृति में। उन शिखरों पर जमा श्वेत हिम कब गल कर गिर जाता है तुम्हारी आंखों से मैं जान नहीं पाता, परंतु जानता हूं ऐसा बहुत कुछ जो तुम सोचती हो मैं नहीं जानता। कामना के उस सिरे से जो तुम्हारे पास है उपजा वह भाव जिसमें अंकित है तुम्हारा निःशब्द चुंबन। उर्वशी तुम्हारे होठों की छुअन की मादकता लिए गीत पहुंचते हैं समय के दूसरे छोर पर बैठे मुझ तक अपने अमरत्व में ऋचाओं जैसे। और छोटी सी कविता देखिए, स्वागत है। सुबह सुबह, इस कविता का शीर्षक है प्यार की सुगंध। सुबह सुबह मैं लाना चाहता था तुम्हारे लिए फूल, सुबह सुबह मैं लाना चाहता था तुम्हारे लिए फूल, प्यार जैसा मुलायम सुर्ख खुशबूदार ढेरों ढेर फूल, इतने सारे फूल जो समेट ले तुम्हें इस कदर अपने बीच, चलू खोजने तुम्हें तो मिले पहले प्यार मुझे हर बार तुम्हारे मिलने से पहले। वाह। इकट्ठा करने गुलाब गया प्रमदवन, इकट्ठा करने गुलाब गया प्रमदवन, चाहता था तुम्हारे लिए समेट लाना सारा का सारा वसंत, चाहता था तुम्हारे लिए समेट लाना सारा का सारा वसंत। उत्साह के अतिरेक में, उत्साह के अतिरेक में फूल तोड़े इतने कि ढीली हो गई गांठ, खुल गई गठरी। वाह। मैं तो पहले से ही लगे थे चोर, गठरी में तो पहले से ही लगे थे चोर, ले उड़े सारे फूल कभी न लौटाने के लिए वापस। मेरे पास तो बची केवल प्यार के फूलों की अनंत और अमिट खुशबू, अपनी आत्मा में उसे ही बसाए शाम ढले उर्वशी, आया हूं तुम्हारे पास ताकि फूलों के सौंदर्य और सुगंध के बहाने तुम समझ सको प्रेम की अलग एकता, उठा सको उसका आनंद। सर मैं इजाजत हो तो सर एक गजल हो जाए जिससे गजल इसके साथ, असल में मैं उस तरह से तैयारी में लाया भी सर नहीं। मैं
साथ, और आपसे थोड़ा ये है सा कि रचना। कविताओं के साथ हाँ वो थोड़ा बिल्कुल मूड बदल जाता है, कभी और केवल गजलें बेशक लेके आपको ठीक है सुनाएंगे। वैसे भी इधर जब सुनाने का मौका नहीं मिलता है तो अपनी गजल हर इतवार को हम अपने फेसबुक पे डालते हैं, बड़े सारे लोग देखते हैं। देखते हैं सर हम क्योंकि आप चूंकि प्रशासनिक सेवा में रहे और अमूमन माना जाता है ऐसा कि वहां पर जितनी जिम्मेदारियां हैं उसमें रचना के लिए वक्त नहीं मिलता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो प्रशासनिक सेवा में हैं और अच्छे रचनाकार भी हैं। तो ऐसा आप लगा कि आपके भीतर एक रचनाकार है और उसको और विकसित किया जाना चाहिए। अब अभी तक तो दरअसल मैंने लिखना बहुत देर से शुरू किया। इंजीनियरिंग का छात्र था, उसे उसके पहले भी विज्ञान का विद्यार्थी था, साहित्य से कुछ उतना नजदीकी रिश्ता नहीं था। तो आप देखिए, 89 में मेरा पहला कविता संग्रह आया, तो मेरी साहित्यिक उम्र मेरी असल उम्र से काफी कम है। फिर भी अब सेवानिवृत्ति के बाद मैंने ये सोच लिया कि अब साहित्य के साथ ही रहना है, इसीलिए मैंने कोई री एम्प्लॉयमेंट या कुछ लिया नहीं और लिख ही रहा हूं। लोग पसंद भी कर रहे हैं तो अच्छा आपकी लगता है। रचनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपका जो शुरुआती कविताओं का जब मैं पाठ करता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि एक ऐसा युवा जो ऐन्द्रिक भावों से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, और फिर आपका एक दौर आता है जिसमें आप पूरी तरह सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक मुद्दों और समय की बहुत सारी चुनौतियों, समस्याओं पर अपनी रचनाएं लिखने लगते हैं। तो ये जो दोनों रंग हैं आपके, इन दोनों का आपने किस तरह संतुलन किया? क्योंकि हम अब आज के जो इधर के आपने मिथकों पर आधारित खंडकाव्य लिखे, चाहे वो इंद्रप्रस्थ हो या फिर वायु वायु पुरुष, इसमें आते हुए देखते हैं कि एक जो सामाजिक मुद्दों का कवि था वो किस तरह से मिथकीय चेतना की ओर जा रहा है और एक दार्शनिक भाव, एक उदात्त भाव तक पहुंच रहा है। तो ये इस पूरी रचना यात्रा के बारे में बहुत ही संक्षेप में हमें थोड़ा सा बताएं। दरअसल मिथकों को समझना उतना आसान नहीं होता है। शुरुआत में तो जैसे स्वाभाविक है, उस उम्र में प्रेम कविताएं या उत्साह उमंग की कविताएं, और वहां से शुरू हुआ। लेकिन प्रौढ़ता के साथ साथ कुछ मिथकों के भीतर देखना, कैसे देखा जाए, वो थोड़ा बहुत आने लगा, और उसके चलते मिथकों में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर बड़ी सारी किताबें पढ़ी मिथकों पे, बहुत सोचा आखिर ये क्या हैं, क्यों हैं, क्या इनकी प्राण शक्ति कहाँ से आती है कि जमाने पहले लिखे गए। वैसे पढ़िए तो आज के ये में टोटली रिलेवेंट, 10 सिर 8 हाथ 12 पैर, इन सबों का कोई मतलब निकलता नहीं था। फिर भी ये क्यों जीवित है, और ऐसे वैसे नहीं जीवित है, हमारे सामाजिक जीवन को, हमारी सोच को, बड़ी सारी चीजों को वो हमेशा प्रभावित करते रहते हैं। तो बिल्कुल उस हिसाब से मिथकों की ओर मेरा आकर्षण बढ़ा, और मैंने देखा कि वो अपने जिस स्वरूप में है उसमें बहुत सारी बातें कहते हैं जिनको हम अगर मतलब कहें। अब जैसे महाभारत की कथा पे ही इंद्रप्रस्थ लिखा हमने, लेकिन कथा कहीं नहीं है उसमें, महाभारत की कथा बैकग्राउंड में कहीं चल रही है, जो जहां हमको छोटे छोटे गैप्स नजर आए, जहां लगा कि कविता अपने आप को पूरी नहीं कर पा रही है, या वो मिथक का जो महाभारत की कथा है उसमें कुछ छूटा है या कुछ ये है, तो उन जगहों पे मैं रुका और वहां अपनी बात जो मेरी समझ में आई वो कहने की कोशिश की। और चूंकि वो बहुत बड़े वर्ग द्वारा समझी और प्रशंसित हुई तो हौसला और बढ़ाए, तो पहले इंद्रप्रस्थ लिखा, उसके बाद फिर वायु पुरुष, कहिए तो थोड़ा सा इंद्रप्रस्थ। वायु पुरुष लिखने का आपके भीतर कैसे ख्याल आया और
कौन कौन से मिथ, क्योंकि पूरे विश्व के साहित्य में इस पर इस मिथक का इस्तेमाल हुआ है, अलग अलग नाम है उनके, कैसे इसकी रचना पद्धति के बारे में थोड़ा बताएं। वायु, आप देखिए, वायु एक विचित्र मिथक की सृष्टि करता है। वो कहीं वायु हनुमान का पिता है तो कहीं भीम का भी पिता है, और उसके पहले एक किताब हम पढ़ रहे थे लियोनार्डो दा विंची पर, उसका मनोविश्लेषण, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था लियोनार्डो के चित्रों का, तो वहां कहीं जिक्र मिला है कि मिस्र में स्त्री शक्ति की पूजा चील पक्षी के रूप में की जाती थी। नारी का शरीर और सिर चील का, और इसका कारण ये था कि उस समय प्राचीन मिस्र में ये समझा जाता था कि चील प्रजाति में पुरुष मेल नहीं होते, केवल मादाएं होती हैं। और जब वो चील ऊपर हवा में उड़ती है, मंडराती है ऊपर जाके, तब वायु के संपर्क से उसके गर्भ में बीज पड़ता है। तो ये बड़ी रोचक सी कल्पना लगी कि जहाँ हम लोगों ने भी वायु के पुत्रों की कल्पना की, और वो हमसे बहुत दूर, उतनी दूर वहां कहीं एक कल्पना मिस्र में हो रही थी, और वहां भी वायु से उत्पन्न होने की, पूरी प्रजाति के उत्पन्न होने की कल्पना थी। तो फिर मैंने वायु के बारे में बहुत अध्ययन करना शुरू किया, करते करते फिर ये लिखते लिखते देखा मैंने कि अरे, वायु का जो मिथक है वो बड़े शक्तिशाली ढंग से हमें समझाता है कि हमें प्रकृति का प्रदूषण या वायु का प्रदूषण क्यों नहीं करना चाहिए और उससे क्या होगा। तो वो दोनों बातें मिला के कहीं शुरू किया हमने, वायु की उत्पत्ति से, पूरी सृष्टि की उत्पत्ति से, और वो लेते हुए आज के प्रदूषण तक मेरा वो खंड काव्य पहुंचता है। और जैसा मैंने कहा, इंद्रप्रस्थ में तो जहाँ गैप्स थे, जहाँ हमको लगा कि ये एक जीते हुए राजा का लिखवाया हुआ ग्रंथ है और इसमें कुछ बातें जानबूझकर छोड़ दी गई हैं, तो उन गैप्स को भरने की कोशिश की। अगर आप कहेंगे तो एक अंश मैं बिल्कुल, आप सुनाना। वायु पुराण से भी कुछ अंश सुना। ये अंतिम अंश है उसका, जी जहाँ द्रौपदी, मतलब पांडव हिमालय पे जा रहे हैं और इंद्रप्रस्थ, द्रौपदी पहले, तो अपने अंत के पहले द्रौपदी चीजों को याद करती है, उसका ये स्वागत भाषण है। वो दुष्ट दुशासन खींचता जाता था और बढ़ती जाती थी मेरी साड़ी। वो दुष्ट दुशासन खींचता जाता था और बढ़ती जाती थी मेरी साड़ी। सभा में उपस्थित सब समझ गए लीला मेरे सखा कृष्ण की। मेरी लज्जा तो बच गई, परंतु मैं फिर नहीं रही कल्याणी कृष्णा। बस एक लपट थी आग की, जलती हुई लौ थी प्रतिहिंसा की। अपनी क्रोधाग्नि में सबको स्वाहा करने की प्रबल आकांक्षा लिए, तब मुझे यकीन हुआ यह पुरुष प्रधान समाज था जो पार्वती लक्ष्मी काली के रूप में स्त्री शक्ति की पूजा तो कर सकता था, परंतु कि एक स्त्री की दुर्दशा के विरुद्ध साध लेता था मौन। अग्नि को साक्षी रख मेरे कुशल क्षेम की रक्षा करने का वचन देने वाले भी साध गए मौन। धिक्कार है ऐसे स्त्री विरोधी समाज को, धिक्कार है ऐसे पुरुषों को, धिक्कार है दोगलेपन से भरे ऐसे शास्त्रों को, धिक्कार है ऐसे न्याय को जो है एक तरफा। धिक्कार है उस धर्म को जिसकी बलि वेदी पर कर दी गई थी मैं कुर्बान, और वह भी दुहाई देकर उस धर्म के रक्षा की। बिखरता है जो तार तार, छिड़ता है महायुद्ध कोई भी, जब टकराते हैं सम्राटों के स्वार्थ।
ही मन जानते थे सभी इस अन्याय के विरुद्ध मेरे हृदय में उठे प्रतिरोध को, परंतु बने रहे सभी अनजान। यह था कुरुक्षेत्र के महाभारत से पहले ही रचा गया कि गरिमा, लज्जा, सम्मान और समानता को नष्ट अनंत काल से अनंत काल तक रहेगी स्त्री की यही व्यथा। पूछती है स्त्री पुरुषों से, क्या यही महाभारत है? मेरी लज्जा, मेरे सम्मान के विरुद्ध रचा गया युद्ध महाभारत है? यह शायद है, यह इंद्रप्रस्थ ही जो कभी फैलता रहता है मेरे बाहर, जो कभी फैला रहता है मेरे बाहर तो कभी सिमट आता है मेरे भीतर, चलता ही रहता है सदा मेरे साथ, प्रत्येक स्त्री के साथ। जाएगा यह अवश्य मुझसे भी आगे, नष्ट नहीं होता इंद्रप्रस्थ न व्यक्तियों के साथ न समय के साथ। मैं कर न सकी स्वर्गारोहण सदेह, रुक गई यही इसी धरती पर। मैं कर न सकी स्वर्गारोहण सदेह, रुक गई यही इसी धरती पर। हिमालय की स्वर्ण रेणु पर फिसला मेरा पांव सबसे पहले, और मैं गलती गई, मिलती गई उसी रेणु में, और फिर रेणु की ही तरह फैलती गई समूची सृष्टि में। फैलती गई मेरे साथ मेरी यातना, लांछना, मेरा द्वंद, मेरा संघर्ष, अन्याय के विरुद्ध मेरा प्रतिरोध विश्व की प्रत्येक स्त्री में। चलता रहा इंद्रप्रस्थ भी साथ साथ, होता रहा नष्ट बार बार, होता रहा पैदा बार बार, प्रत्येक स्त्री के साथ उसका इंद्र। बहुत सुंदर। वायु पुरुष से भी कोई अंश पढ़ना चाहेंगे? हाँ, एक छोटा अंश। ये ब्रह्मा का आसन जैसा ही है, जो हनुमान के घायल होने के बाद जब वो सुर की ओर जा रहे थे, इंद्र के वज्र से घायल हुए गिरे, फिर उनको बचाने वायु देव गए, तो साथ में फिर बाद में वायुदेव की नाराजगी दूर करने के लिए ब्रह्मा भी आए। तो ब्रह्मा ने सब देख के फिर समझाया, वायु देवता के सारे प्रयत्नों, सारी सावधानियों के बावजूद सुदूर भविष्य में देख रहा हूं एक ऐसा भी समय, ये ब्रह्मा कह रहे हैं, वायु देवता के सारे प्रयत्नों, सारी सावधानियों के बावजूद सुदूर भविष्य में देख रहा हूं एक ऐसा भी समय जब सृष्टि की सर्वोत्तम रचना मानव प्रजाति ही बन उठेगी सृष्टि हंता। आकाश गंगा तक को छूने लगेंगे मानव के विध्वंसक कारनामे। बना तो न पाएंगे बेहतर कुछ भी, परंतु ना समझी में खाते और खोते रहेंगे प्राकृतिक संसाधनों को। पयस्वनी प्रकृति का, पयस्वनी प्रकृति का करेंगे अविवेकी दोहन ऐसा, समाप्त हो दूध बहेगा उन पयोधरों से लहू। डरती है इसी बात से प्रकृति कि वे मानव कर तो पाएंगे नया कुछ नहीं, परंतु देगी वे उन्हें जो भी उत्तम विरासत में, करेंगे क्रोध उसी के प्रति। होना था जिन आंखों में प्रेम, स्वार्थ में वे ही बनेंगी अंधी। छा जाएगा अविवेक सभ्यता की समझ पर, वे अदूरदर्शी उठा लेंगे बंदूक के विध्वंसक उन्हीं हाथों में जिनमें होने चाहिए थे हल। अंतरिक्ष में जाकर नासमझी में छेड़ेंगे परत दर परत बादलों को, चीरेंगे सूर्य की धूप, करेंगे मलिन चांद की चांदनी और नष्ट तारों का प्रकाश। अनुकूल से हो उठेगा प्रतिकूल सारा जीवन, पुण्य तो होगा परंतु होगा पुण्य से ज्यादा पाप, कल्याण से ज्यादा नाश। पवन प्रदूषित करने के महापाप के भागी अपने कष्ट मिटाने को भागेंगे मंदिर मंदिर। पवन प्रदूषित करने के महापाप के भागी अपने कष्ट मिटाने को भागेंगे मंदिर मंदिर, हनुमान के आगे हाथ जोड़ प्रसाद चढ़ाएंगे। परंतु अपने पितृ हंताओं को क्यों कर पवन पुत्र उबारेंगे? कुछ न कर पाएंगे, बस देखते ही रह जाएंगे वायु का प्रकोप। हाय मानव धरे हाथ पर हाथ, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप तो कहीं चक्रवात। न
जाने कैसे देखा जाएगा ऐसा विध्वंस देश दुनिया का, जो बदल लेगा चाल चलन धरती का, सुख को दुख में वीरानों में गूंजेगी आवाज, जाग मनुष्य जाग, अपने भविष्य को पहचान, सुन आहट प्रलय की, दावा नल महामारी या युद्ध। महामारी से हम लोग गुजर ही रहे, विश्वव्यापी महामारी से दिख ही रहे आप। दावा नल महामारी या युद्ध करते हैं धरती पर जब विनाश का शंखनाद, तो नहीं ली जाते सब कुछ, निश्चय ही जूठन सा, छोड़ देते हैं कुछ कुछ न कुछ। परंतु प्रदूषण से रुष्ट प्रकृति करती है जब तांडव नर्तन, तो कुछ भी न शेष रह जाता। परंतु प्रदूषण से रुष्ट प्रकृति जब करती है तांडव नर्तन, तो कुछ भी न शेष रह जाता है। वृक्ष जाता है पुनः समा बीज में, वृक्ष पुनः जाता है समा बीज में, और हो जाता है अवतरित महा। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र कुमार जी। निश्चित तौर पे इस खंडकाव्य में आपने भारतीय और विदेशी मिथकों का जिस तरह पुनः पाठ किया है, वो आज के समय तक की यात्रा किस तरह कर रहा है, और इस इन दोनों ही इंद्रप्रस्थ में भी और वायु पुराण में, ये वायु पुरुष दोनों ही खंडकाव्यों में, इन पुरा कथाओं से हमारी यात्रा को उस समकालीन वैश्विक संकट और चुनौती तक आप लाकर सामने खड़ा कर देते हैं जो प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्षय से जुड़ा हुआ है, और जो समस्त सृष्टि के प्राण का संकट बन गया है, और जिसका कारण कोई और नहीं हम ही है। संसार के मंगल की कामना करता हुआ ये दोनों ही खंडकाव्य निश्चित तौर पे न सिर्फ आपकी बल्कि हिंदी साहित्य की भी एक समृद्धि है, उपलब्धि है, श्री है। मैं आज की आपकी इस पूरी रचना यात्रा से बहुत ही संक्षेप में हमने एक संगी के तौर पर आपकी रचनाओं का आस्वाद लिया, और इससे हमारे तमाम पाठकों का ये मन बना होगा कि जिन्होंने ये खंडकाव्य नहीं पढ़े हैं, वे जरूर इन दोनों खंडकाव्यों को पढ़ना चाहेंगे। मैं पुनः साहित्य अकादमी की ओर से आपके इस आमद को सलाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने हमारा ये आमंत्रण स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में आप शरीक हुए। हमारे साहित्य प्रेमी श्रोताओं के बीच में आपने कविताएं साझा की, आपके जीवन के बहुत सारे पहलुओं से हम परिचित हुए। मैं बहुत आदर व्यक्त करते हुए आपके प्रति धन्यवाद देता हूँ साहित्य अकादमी की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी आपको, साहित्य अकादमी को, और मेरे उन तमाम श्रोताओं को जिन्हें मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो सुन रहे होंगे और कविताएं उनको अच्छी लगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।